नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल स्नेल। इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कूड़ा बीनने वाली महिला, बुजुर्ग महिला, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती नजर आ रही है। महिला देखने में तो गरीब और अकेली दिख रही है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। गांधीनगर, ब्यूरो ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, स्टेइंग इन नंदा होटल, टू डोर्स अवे इज द ब्यूरो ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड डेटा प्रोसेसिंग, 7 years। But you were in Japan for 7 years? Yes, it's all 7 and 14. Wonderful. 7 years they wanted to kick me out from the Bible College. They said, oh, I said, no, I'm not going. Okay. They said, it's not possible to kick you out. You have to go out of your own accord. My mother was P.A.T. our Minister for Food and Civil Supplies, Vidhan Chowdha. Okay. She retired and I'm in the house. Okay. People have been in the gas 50 years, they are tormenting me, robbing my house, burning my house. Why? I'm blowing the oven. They want the property, my love. And you're alone? You call this alone? Okay, no, not that. No. Will I ever be alone? No. Alone? Sorry. Never, never. Alone. I never leave. दरअसल साचिना हैगर नाम की एक महिला ने अपने इंस्टाग्राम पर इस महिला के बारे में जानकारी देते हुए वीडियो शेयर किया है, जो कि देखते देखते वायरल हो गया है। ये वीडियो बेंगलुरु का है, जहां के सदाशिव नगर इलाके में ये बुजुर्ग महिला कूड़ा बीनने का काम करती है। वो बता रही है कि वो 7 साल तक जापान में काम कर चुकी है। उसने अपना नाम सिलसिलिया मार्गरेट लॉरेंस बताया है। बात करते करते वो बीच में गाना भी गाने लगती है। यही नहीं, उसने ये भी कहा कि वो एक कलाकार है और पहले मॉडलिंग भी कर चुकी है और इस वक्त यहाँ कूड़ा बीनने का काम करती है। जब साचिना हैगर उससे पूछती हैं कि आप यहाँ अकेले रहती हैं, तो वो ऐसा जवाब देती है जिससे सुनने के बाद साचिना हैगर को उससे सॉरी बोलना पड़ता है। दरअसल अकेले रहने के सवाल के बाद वो महिला तुरंत मदर मैरी की तस्वीर दिखाती है और कहती है, जो इनके साथ रहता है वो क्या कभी अलोन या अकेला रह सकता है? जिस पर साचिना हैगर को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। बता दें, साचिना हैगर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि कहानियां हमेशा आपके आसपास होती हैं, आपको बस इतना करना है कि रुकें और चारों ओर देखें, कुछ खूबसूरत तो कुछ दर्द भरी, लेकिन चंद फूलों के बिना जिंदगियां क्या हैं। इस वीडियो को अभी तक 18,427 लाइक मिल चुके हैं और लोग जमकर इस पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। बने रहिए आप वन इंडिया हिंदी के साथ। Been in the gas 50 years, they are tormenting me, robbing my house, burning my house. I'm blowing the oven.